जैसे कि आप जानते हैं, कल रात प्रसिद्ध लेखक आकाश कुमार जी का दर्दनाक कार एक्सीडेंट हुआ है। कल रात से डॉक्टर्स पूरी तरह लगे हुए हैं ऑपरेशन थिएटर में। चलिए सुन लेते हैं कैसी स्थिति है आकाश जी का। हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम सबके प्रिय लेखक श्री आकाश कुमार जी अभी आउट ऑफ डेंजर है। हालांकि उनका एक्सीडेंट काफ़ी डेंजरस था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी हमारे डॉक्टर के प्रयास और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो अभी ठीक है। जिंदगी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। भाई क्या सोच रहा है? सोचने का टाइम गया, अभी खत्म कर इसको। भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रुक जा। क्या बिगड़ा नहीं है? और कितना बिगड़ेगा भाई? भाई मैं बता रहा हूँ, इस बार अगर तू नहीं रुका तो आने वाले जिंदगी में बहुत तकलीफें होंगी। मुझे कैसे पता कि आगे चल के तकलीफ होगा? अच्छा भी तो सकता है भाई, जब मैं बता रहा हूँ कुछ अच्छा रास्ता निकाल लेंगे। एक आखिरी मौका दे जिंदगी को। काहे का मौका? किसी ने आज तक इसको मौका दिया? रेखा ने मौका दिया? कर ली ना शादी, रुकी इसके लिए? कंपनी वालों ने मौका दिया? एक ने भी मौका दिया? दोस्तों ने मौका दिया? कोई बात तक नहीं करते इससे। भाई हर चीज का एक समय होता है। लो अभी जनाब समय का बात कर रहे हैं। अरे कब आएगा ये समय? बुढ़ापे में? भाई रुक जा भाई, मौका है। चलो तुम्हारी बात मान के रुक जाते हैं, लेकिन एक चीज बताओ, आज अगर ये रुक जाएगा तो ये जो चाहता है वो सब हो जाएगा क्या? रेखा वापस आ जाएगी क्या? इसको कंपनी में नौकरी मिल जाएगा? और इसका जो बाप जो अपने इलाज नहीं करवा पा रहा पैसों के लिए, कल उनके पास पैसे आ जाएंगे? ये सब हो जाएगा? नहीं, शायद ये जो चीज़ें चाहता है उनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पेंटर बनना चाहता है, शायद नहीं बन पाएगा, कोई कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग कुछ और रास्ता निकाल लेंगे, कुछ और उपाय ढूंढ लेंगे। भाई अपने लिए ना से अपने माँ बाप के लिए तो रुक जा। आज तेरे पिताजी इतने बीमार है, कल को तेरे इसी हरकत के लिए उनको अगर ये सुनना पड़े कि उन्होंने एक डरपोक बेटे को पाला पोसा था। अरे माँ बाप का बोझ कम करने के लिए तो ये कदम उठा रहा है। आज अगर ये खत्म हो जाएगा तो कल को इसके पिताजी जो पैसे इस पे खर्च कर रहे थे वो अपने इलाज पे खर्च कर पाएंगे। अरे इससे ज्यादा पुण्य और क्या हो सकता है? अरे क्या बकवास कर रहे भाई, ये पुण्य है। खत्म कर इसको भाई, इसके बातों में मत जा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। भाई मैं बता रहा हूँ खत्म कर, ये आखिरी मौका है भाई, खत्म कर। रुक जा भाई, थोड़ा सोच ले, इस दुनिया में कुछ नहीं बचा तेरे लिए भाई। भाई आज अगर तू चला जाएगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों तकलीफ देना उसको ऐसा? अरे मुझे ऐसे उसको जाने मत दे। चुप, बिल्कुल चुप। देख भाई, तू आज अपना दिल की सुन कि दिमाग की, तू मुझे आज खत्म कर चाहे ना कर, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी तुझे मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, तुझे तेरे दोस्त अमन तो याद होगा, कैसे बेचारे की जिंदगी खत्म हो गई एक बीमारी के लिए। जीना चाहता था, फुटबॉलर बनना चाहता था, पर जिंदगी ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया, खत्म हो गया, चला गया। और अमन की तरह ऐसे लाखों लोग हैं इस दुनिया में जिनके हाथों में कंट्रोल नहीं है जिंदगी का, जो जीना चाहते हैं पर जी नहीं सकते क्योंकि जिंदगी उन्हें दूसरा मौका नहीं देगी। तेरे हाथ में वो मौका है, तेरे हाथ में वो पावर है, तू चाहता तो जिंदगी को खत्म कर सकता है या आगे ले जा सकता है। सबकी किस्मत में ये मौका नहीं होती, इसलिए जो पावर तेरे पास अभी है जिंदगी के ऊपर, उसका सोच समझ के सही इस्तेमाल करना। Thank you.
आखिरी मौका दे रहा हूं, अब अगर नहीं सुधरा तो मैं ना दिल की ना दिमाग की किसी का नहीं सुनूंगा। अरे मैं क्या सुधरूंगा भाई, मैं तो तेरा जिंदगी हूं, तू सुधार मुझे। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, आज अगर तू हिम्मत करके मुझे जाने दिया, एक आखिरी मौका दिया, तो आगे चल के अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो शायद मैं तुझे तेरी मदद कर दूं। और उस दिन मैं रुक गया। वैसे आप सभी को मेरे ज़िंदगी के बारे में पता है, लेकिन फिर भी आज इतने बड़े एक्सीडेंट से बचकर अस्पताल के बिस्तर में लेटकर मुझे बस वो दिन बार बार याद आ रहा है। उस दिन मुझे जीने का कोई इच्छा नहीं थी, मेरे पास 100 कारण थे ज़िंदगी को ख़त्म करने का, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया, एक लास्ट चांस ले लिया। और शायद उस वजह से आज जब मेरे पास हज़ारों कारण हैं जीने का, तो ज़िंदगी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, शायद अपना पुराना हिसाब पूरा कर रहा था। उस समय खुद को रोक के मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ना मुझे मेरी माशुखा मिली, ना मुझे एक दो दिन में कोई नौकरी मिली, और ना ही मैं अपने पिताजी को बचा सका। फिर 7-8 महीने बाद एक छोटी सी नौकरी मिली, मेहनत किया उस पे, प्रमोशन से मिले, पैसे आने शुरू हुए और जिंदगी धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखूंगा, मेरा पहला किताब ही बेस्ट सेलर बन गया। फिर 1-2 साल में मैंने नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम लेखक बन गया। आज मुझे वो सब नहीं मिला जिसके लिए मैं खुद को ख़त्म करना चाह रहा था, बल्कि मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ मिला है। इस इंटरव्यू के आखिर में मैं आप लोगों के दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हम जब जिंदगी की कठिन स्थिति से गुजर रहे होते हैं, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक कि हम सब कुछ खत्म करके इस दुनिया से चले जाएं, इस चीज से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। और दूसरा रास्ता, आप अपनी हालतों से लड़े, मेहनत करें, कुछ ना कुछ उपाय निकालें और फिर दुनिया के लोगों के सामने एक उदाहरण बने। आपके उस जीत से तभी आप एक जिंदगी नहीं कई जिंदगियों को खत्म होने से रोक पाओगे। सो चॉइस इज योर्स, और हर किसी के पास ये चॉइस नहीं होती। सोच समझ के कदम लीजिए और कभी हार मत मानिए। धन्यवाद।